ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के खिलाड़ियों का दमखम जारी है। आज चौथे दिन भारत की झोली में 3 गोल्ड गिरे। महिला वेटलिफ्टर पूनम यादव ने देश को 5वां गोल्ड दिलाया, तो वहीं जीत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 16 साल की निशानेबाज मनु भाकर ने देश को 6ठा सोना दिलाया। इसके साथ ही भारत की महिला टेबल टेनिस टीम ने भी गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है। विदेशी जमीन पर भारतीय खिलाड़ियों का धमाल जारी है। कॉमनवेल्थ गेम्स में चौथे दिन भी भारतीय खिलाड़ियों ने अपना हुनर दिखाते हुए देश का नाम रोशन किया और एक के बाद एक कई पदकों की बारिश कर दी। आज टेबल टेनिस में महिला टीम ने भारत को गोल्ड दिलाया। भारत ने सिंगापुर को जबरदस्त टक्कर देकर ये पदक अपने नाम किया। वहीं वेट लिफ्टिंग में भारत की बेटी पूनम यादव ने 69 किलो भार वर्ग में कुल 222 किलोग्राम भार उठाकर यहां गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। तो वहीं महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में 16 साल की मनु भाकर ने देश के लिए 6ठा गोल्ड मेडल जीता। इसी स्पर्धा में निशानेबाज हिना सिद्धू ने रजत पदक पर कब्जा जमाया। फाइनल मुकाबले में मनु ने 240.9 अंक हासिल किए और हिना को 234 अंक मिले। वहीं पुरुष वर्ग में रवि कुमार ने 10 मीटर एयर राइफल में भारत के लिए ब्रॉन्ज जीता। इसके बाद अब विकास ठाकुर ने भी 94 किलो भार वर्ग में 391 किलो भार उठाकर भारत को कांस्य पदक दिला दिया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।